हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मिक्स सब्जी। इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने ऐसे क्यूब में काट लिया है। मटर, बीन्स, कैप्सिकम, गाजर, फूलगोभी, ऑनियन, टमाटर, धनिया, मिर्चा, थोड़ा सा चना लिया मैंने। आप चाहे तो इसमें चना दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं दे रही हूँ इसमें। और इसके लिए काजू, किशमिश, बादाम, कुछ खड़े मसाले, बटर, अदरक और लहसुन को मैंने काट लिया है, ब्लैक पेपर, नमक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मैं स्टीम कर लूँगी। इसके लिए मैंने पानी ले लिया यहाँ पर। 15-20 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम कर ले रही हूँ। इसमें चना पीस मिले, उसके बाद इसमें मटर, गाजर, इन सबको मैं 15-20 मिनट के लिए स्टीम कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ढक दे रही हूँ 15-20 मिनट के लिए। जब तक सब्जियाँ स्टीम हो रही है, तब तक मैं काजू बादाम और बादाम का पेस्ट बना ले रही हूँ। थोड़ा सा मैं सब्जी में ले रही, इसका मैं पेस्ट बना लेती। काजू का मैंने पेस्ट बना लिया है और कढ़ाई मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए गैस पे दे दिया है। जब तक वो स्टीम हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे पनीर को हल्का सॉटे कर लूँगी। थोड़ा सा बटर दीजिए इसमें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको नए नए वीडियोज ऐसे बटे से बनाए दे सके, बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इसको आइस भी बना सकते हैं। अभी पनीर कुछ अब निकाल लीजिए। स्टीम हो गया, अब मैं इसको साथ सब्जी को निकाल लूंगी।
लीजिए। जितने भी मैंने खड़े मसाले लिए हैं ये सब दे दीजिए। अदरक और लहसुन को दे दीजिए। काजू को खाली इसमें दे दीजिए। ऑनियन डाल दीजिए। कैप्सिकम ऐड कर दीजिए। किसी दे दीजिए। सब सब्जी पानी इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें मैं थोड़ा सा नमक दूँ क्योंकि मैंने पहले नमक दिया है। अब इसमें ब्लैक पेपर थोड़ा सा दे दीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी समझ में आए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं इसमें काजू का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, काजू और बादाम का। बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गरम गरम रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। खाने आप चाहे तो थोड़ा ऐसे पानी में कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट में धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी, या कुछ देर के लिए ऐसे ही ढक के रखने दीजिए 5 मिनट तक। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। रेडी हो गया रेसिपी, आप देख ही सकते हैं। देखने में जितना सुंदर है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।